अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू फैमिलीज किचन। तो जो हमारी आज की रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की है और ये किड्स लंच बॉक्स में से एक रेसिपी है। तो आज हम बनाने लगे हैं चिकन नगेट्स, ठीक है। आप कोशिश करें कि आपके नगेट्स घर में ही बनाएं, बाहर से ना लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कैसा चिकन जो है वो बाहर यूज़ करते हैं, किस किस्म की क्वालिटी का वो चिकन होता है। तो इन्ग्रीडियंट्स में जो सबसे पहले है मेरे पास ब्रेस्ट पीस है चिकन का, ठीक है, और हम चिकन का हाफ ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रहे हैं। और मेरे पास दो ब्रेड के स्लाइसेस हैं, ये प्लेन ब्रेड है, और ये जिंजर पाउडर है हाफ टी स्पून, गार्लिक पाउडर है हाफ टी स्पून, और ये सॉल्ट है हाफ टी स्पून, और ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। और ये हमारे पास एक एग है जिससे हम नगेट्स की कोटिंग, अब देखिए इन्हें हम ब्लेंड कर रहे हैं ताकि ब्रेड अच्छी तरह से क्रम्स की सूरत में आ जाए। तो ये देखिए अब हमारी जो चुका है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है बैटर, ठीक है, बहुत अच्छा थिक से है, जिस तरह का हमें चाहिए था हमें वैसा ही बैटर मिल चुका है। देख सकते हैं आपके कितना थिक है, बीच में जो ब्रेड है वो चिकन के साथ अच्छी तरह से मर्ज हो चुका है। अब आप इसको जो है एक प्लेट में अलग-अलग निकाल लें और इसे इस तरह की शेप में गूंद सीधा कर लें, बेल लें, और फिर हम इसको कुकी कटर से काटेंगे। किसी भी शेप का कुकी कटर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास भी यहाँ पर डिफरेंट शेप्स है, तो सबसे पहले मेरे पास हार्ट शेप है, इसका मैं नगेट, इस शेप का नगेट काट रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा जो है हमारा नगेट की एक शेप आ गई है, हार्ट शेप। और ये देखिए मैंने मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो काट ली हैं, और बस ट्री है, सर्कल है, फ्लावर है, रेक्टेंगल है, और भी बहुत सारी डिफरेंट शेप्स हैं। तो आप इसी तरह जो हैं शेप्स बना लें और फिर जो हम हैं इनकी कोटिंग करके इन्हें फ्राई करेंगे। अब ये देखिए मेरे पास ब्रेड क्रम्स भी हैं, ठीक है, और दूसरे पे मेरे पास जो है एक अंडे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। सबसे पहले जो हम है हमारा जो नगेट है उसे हम सबसे पहले अंडे में डुबोएंगे, और अंडे को अच्छी तरह कोट करने के बाद हम इसको क्रम्स का जो हमारे पास है क्रम्स के अंदर क्रम्स लगाएंगे इसे। और फिर हम जो हमारा नगेट है उसे हम क्रम्स में अच्छी तरह से क्रम से कोट कर लेंगे। और इसे एक साइड पे रख देंगे। अच्छी तरह से कोट करें ताकि इसकी कोई साइड भी जो है वो खाली ना रह जाए। अब देखिए मैं साइड पे ट्रे में इन्हें रखी जा रही हूँ, और इन सबको कोट करके फिर हम फ्राई करेंगे। अभी देखें मैं आपको कुछ फ्राई करके दिखाती हूँ।
जो चूल्हे का फ्लेम है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसे मीडियम पर ही रखें, और जब ऑयल गर्म हो तब नगेट्स को बीच में डालें। देखिए नगेट्स कितने प्यारे फ्राई हो गए, इनको गोल्डन ब्राउन कलर आया है, देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप इन्हें अब सर्व कर सकते हैं, आप इन्हें केचप के साथ खा सकते हैं, आप इन्हें किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, और जो बीच में स्पाइसेस हैं वो भी बहुत अच्छे मिकदार में बीच में डली हुई हैं। तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है उधर भी जाएं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू।